कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार गठन पर आज चर्चा हुई। माना जा रहा था स्थिति साफ होगी, लेकिन स्थिति अभी भी असमंजस की स्थिति में है। तो बैठक में पवार और सोनिया गांधी ने विचारधारा के स्तर पर विपरीत शिवसेना से सरकार गठन को लेकर गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा की। शरद पवार ने महाराष्ट्र में सियासी हालातों के बारे में सोनिया गांधी को अवगत कराया। तो मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि हमने किसी के साथ सरकार बनाने के बारे में चर्चा नहीं की है, इस मुद्दे पर हम अपने सहयोगियों से बात करेंगे, हमें सभी को विश्वास में लेना होगा। किसी के साथ सरकार बनाने की बात ही हमने की है, हमने वहाँ की पोजीशन क्या है, नंबर क्या है, किसके पास कितने हैं। और एक बात थोड़ी सी जो आजकल अखबार में भी आती है कि कांग्रेस एनसीपी मिलकर कुछ बात करते हैं, इससे हमारे कोई साथी नाराज हो गए, क्योंकि कल के चुनाव में स्वाभिमानी क्षेत्र नाम के किसानों की एक संगठन है जिसके नेतृत्व राजीव सेठी करते थे, वो और उनके साथी भी हमारे साथ थे चुनाव में, हमने चुनाव साथ लड़ा, उनका एक विधायक चुनकर आया है। पीजेंसर वर्कर्स पार्टी महाराष्ट्र की एक पुरानी पार्टी है, वह हमारे साथ थी, अनफॉर्चुनेटली उनको कामयाबी मिली नहीं, मगर वो पार्टी ने हमें सहयोग दे दिया, हम लोगों ने भी उनको सहयोग दिया था, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।